बड़ी खबर, बहराइच में अपराधी हुए बेखौफ। सुनसान गन्ने के खेत में फिर मिला दो लोगों का शव। कल भी फखरपुर थाना इलाके के बसंतापुर में मिले थे दो बच्चों के शव। आज फिर एक महिला और एक बच्चे की हुई निर्मम हत्या। दो दिनों में मिली चार लाशें। पुलिस की दास्ता नाकामी की बया कर रही। हत्या कर फेंके गए चार शवों के मिलने से जिले में मचा हड़कंप। अभी तक नहीं हो सकी शवों की शिनाख्त। एसपी समेत जिले के तमाम अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। फखरपुर थाना इलाके का मामला है। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए बहराइच से अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट। जादव सपा युवा नेता बहराइच। जिस तरह से दो दिन के अंदर चार घटनाएं हुई, चार घटनाओं में हत्या जो हुई है, इसका खुलासा कहीं न कहीं जो दो यादवपुरी में और जो दो टेड़वा में, दोनों को देखा जाए तो हमारे नज़रिए से देखने में लग रहा है कि जो घटना करने वाला है वो एक ही व्यक्ति है। इसका तत्काल प्रभाव से खुलासा होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा अनुरोध है और क्षेत्रीय अधिकारी से मेरा अनुरोध है, यशो साहब से, कि इस चीज का खुलासा टीम गठित करके, टीम कल कप्तान साहब ने गठित भी किया है, गठित करके इसको खुलासा करके, ये हो सकता है कि ये गैर जनपदीय व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी हत्या हुई है। ये महिलाएं और लड़कियां गैर जनपद की भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे जनपद और हमारे थाना क्षेत्र की ऐसी लाशें होती तो अब तक कहीं न कहीं सोशल मीडिया या ग्राम प्रधान या पत्रकार बंधु या पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं सूचना हो जाती। तो हो सकता है हमारे अगल बगल पड़ोसी जिला, हो सकता है बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर या कहीं के जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं, सराहा से लगे हुए हैं, वहाँ के लोग हो सकते हैं। घटना में हमको कुल मिलाकर के खुलासा होना चाहिए जी। 100% अगर खुलासा नहीं हुआ तो जनता में इतना दहशत हो जाएगा कि दो दिन के अंदर चार मर्डर हो गए हैं, चार लाशें मिली हुई हैं, और जो दर्दनाक हत्या जिस तरह से बच्चों की हुई है, 10 साल 11 साल बच्चों का गला रेत दिया गया है, ऐसे में तो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, अपने बच्चों को हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे, लोगों के अंदर दहशत हो जाएगी, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद जनता निकलेगी ही नहीं बाहर। ऐसी स्थिति में खुलासा होना 100% जरूरी है। इसमें मेरा पुलिस से अनुरोध है, निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से जितनी टीमें हो सके, एसओजी, एसटीएफ, जिसका जिसका उनको मदद लेना हो लेकर के, और इसका खुलासा तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। में 200 और बरामद हुए हैं, क्या है प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है? अभी पुलिस छानबीन कर रही है। ये थाना फखरपुर लगता है, माधोपुर गांव है। इसमें एक महिला की और एक बच्ची का मिला है शव, और जल्दी ही इस घटना का खुलासा करेंगे हम लोग। और सारी टीमें लगा दी गई हैं, चार टीमें लगी हुई हैं, कुछ हमको लीड्स भी मिले हैं, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी घटना का खुलासा होगा।